हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने शैक्षिक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे अपना अधूरा अध्ययन कार्य जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था, तीसरा पाठ इतिहास की किताब से कक्षा 8 से, जिसका की शीर्षक है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। पिछले भाग में हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तथा सहायक नीति, मराठों से संघर्ष और डलहौजी की विलय नीति का अध्ययन किया था। चैप्टर के अधिक विस्तृत होने के कारण मैंने ये वीडियो दो भागों में बनाया था, आपको मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था। आज हम शुरू करते हैं बाकी बचा हुआ अध्ययन कार्य। डियर व्यूवर्स, आइए दी गई तालिका में अन्य भारतीय शासकों के साथ अंग्रेजों से हुए युद्धों तथा उसके परिणामों के बारे में जानते हैं। अंग्रेजों का अवध, बनारस, रुहेलखंड तथा पिंडारियों से युद्ध। देखिए, इस तरीके की तालिका बनी हुई है जिसके अंतर्गत युद्ध एवं वर्ष दिया है, किनके बीच युद्ध किया गया है वो है, युद्ध और विलय के कारण क्या थे, युद्ध का परिणाम तथा संधि एवं प्रस्ताव भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अवध, अंग्रेजों का अवध के साथ युद्ध हुआ है 1856 ईस्वी में। अवध 1856 ईस्वी का युद्ध लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के बीच लड़ा गया है और इसका कारण था नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं अकर्मण्यता का आरोप लगाया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसके युद्ध के दौरान हुई फैजाबाद संधि, अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए गए। नवाब को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया और उसे जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। अंग्रेजों का रुहेलखंड के साथ युद्ध, रुहेलखंड 1773 ईस्वी में हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां के बीच। युद्ध का कारण था रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को रुपए 40 लाख देने से मना कर देना और इसका परिणाम क्या हुआ, हाफिज रहमत खां मारे गए। रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना, शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित होना। बनारस के साथ 1780 ईस्वी में युद्ध हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स तथा राजा चेत सिंह के बीच। कारण था अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग। मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना। परिणाम क्या हुआ, दोनों के बीच संघर्ष हुआ, हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया और इसके बीच संधि या प्रस्ताव क्या हुआ, चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया, 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। अंग्रेजों का पिंडारियों से युद्ध, लूट मार करने वाले लोग जिन्हें हम पिंडारी बोलते हैं, 1816 से 1818 ईस्वी तक हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा पिंडारी के अमीर खां, करीम खां, वासिल मोहम्मद तथा चीतू के मध्य लड़ा गया। पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर यह युद्ध किया गया, ये कारण था उसका। परिणाम क्या हुआ, बहुत से पिंडारी मारे गए और संधि या प्रस्ताव के मध्य आता है, अमीर खां ने अंग्रेजों की शरण ली, उसे टोंक की जागीर प्रदान कर दी गई और करीम खां ने भी अंग्रेजों की शरण ली, उसे गोरखपुर जिले में गौस की जागीर मिली। चलिए अब अंग्रेजों का नेपाल तथा बर्मा यानी म्यांमार से युद्ध, इसके विषय में जानते हैं। नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी किनके मध्य लड़ा गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा के मध्य लड़ा गया और इसका कारण था सन 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और वुटवल क्षेत्रों पर अधिकार कर लेना। परिणाम स्वरूप अंत में गोरखे पराजित हुए और संधि या प्रस्ताव के मध्य आता है 1816 ईस्वी में सिंगौली की संधि। अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्रों का मिलना, गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। बर्मा का प्रथम युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी और लॉर्ड हेमहर्ड तथा बर्मा के मध्य लड़ा गया
और इसका कारण था बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग कर देना। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की विजय हुई, यंगून पर उनका अधिकार हुआ। और संधि के मध्य आता है 1826 ईस्वी में यांडवू की संधि, अंग्रेजों को आराकान तथा तनासरीन के प्रदेश प्राप्त हुए, मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया, बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता भी हुआ। बर्मा का द्वितीय युद्ध 1852 ईस्वी और ये लड़ा गया लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा के मध्य, और इसका कारण था अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन करना। परिणाम स्वरूप बर्मा पराजित हुए और संधि तथा प्रस्ताव के अंतर्गत आता है मर्तबान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। आइए अब हम जानते हैं अंग्रेजों का अफगान, सिंध तथा सिखों से युद्ध। अफगान युद्ध 1838 से 1842 ईस्वी लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान के मध्य लड़ा गया यह युद्ध, और इसका कारण ये था कि अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय हुआ क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारी क्षति हुई और संधि तथा प्रस्ताव के अंतर्गत शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। सिंध युद्ध 1843 ईस्वी लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, और इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर, और परिणाम स्वरूप सिंध के अमीर पराजित हुए और संधि और प्रस्ताव के अंतर्गत सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी और यह युद्ध लड़ा गया लॉर्ड हार्डिंग तथा सिखों के मध्य। कारण क्या था? सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया था। परिणाम स्वरूप सिख सेना पराजित हुई। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेनानायक अंग्रेजों से जा मिले थे, इसी कारण सिख पराजित हो गए। और संधि तथा प्रस्ताव के अंतर्गत लाहौर में संधि 1846 ईस्वी में करनी पड़ी। लाहौर में संधि जालंधर तथा सतलज और व्यास नदियों को दोआब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हर जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा। इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी ये लड़ा गया लॉर्ड डलहौजी तथा सिखों के मध्य, और इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लेना। परिणाम स्वरूप सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई और संधि या प्रस्ताव के अंतर्गत अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आइए चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों को आखिर सफलता मिली कैसे, उसके पीछे कारण क्या था। भारत में अंग्रेजों की सफलता में अनेक कारक सहायक सिद्ध हुए हैं। भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था, वहाँ शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला ही, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ता रहा। व्यापार बढ़ने के फलस्वरूप कंपनी की आर्थिक स्थिति जो थी वो सुदृढ़ हुई। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी, उसके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल थे और प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे बल्कि उच्च तकनीक पर भी आधारित थे। उनके पास जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे, इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का कभी भी अभाव नहीं रहता था। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति व डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने फूट डालो और राज्य करो की कूटनीति भी मनवाई। भारत में कुशल नेतृत्व का अभाव था, राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। तो ये जो था ना अंग्रेजों की सफलता के जो मेन तथ्य थे वो मैंने आपको बताए। दो शासकों में जब कभी कोई संघर्ष या विवाद होता था तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे पक्ष को पराजित करते थे और उचित अवसर आने पर अपने पक्ष वाले शासक के भी विरुद्ध हो जाते थे। ये ऐसी कूटनीति थी अंग्रेजों की। चलिए डियर व्यूवर्स, चलते चलते शब्दावली पर नज़र डाल लेते हैं। पिंडारी क्या होते हैं? पिंडारी जो होते हैं ये लुटेरों का एक दल होता है जिसमें हिंदू एवं मुसलमान दोनों शामिल थे। और रेजिडेंट क्या होता है? सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी रेजिडेंट कहलाता है।
डियर व्यूवर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। इसको मैंने दो भागों में बनाया था, लंबा था चैप्टर, तो आप दोनों ही भाग का अध्ययन कर लीजिएगा। मैंने पार्ट वन और पार्ट टू करके डाला हुआ है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, इसीलिए हमारे चैनल का नाम ही है ज्ञान के मोती। तो बस मोती बिखेरते जाइए और पढ़ाई करते जाइए। डियर व्यूअर्स, हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।